बात कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की जो हर निवेशक के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। इंश्योरेंस की बात करें तो सिर्फ 2010 में नहीं, लेकिन 2011, 12, 13 में भी आप देखें तो टर्म इंश्योरेंस सबसे अहम बात है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का जो मेन मुद्दा है वो है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को पैसे मिलने चाहिए जो उनकी लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर सके, तो वो सबसे पहले मुझे ध्यान में रखना चाहिए। मेरे पास कोई लायबिलिटी हो तो उसके लिए मुझे कवर लेना चाहिए, तो वो ये कवर भी आपको सिर्फ टर्म कवर या प्योर रिस्क कवर ही दे सकता है। उसके बाद आप देखें कि अगर मेरे कोई गोल है, जैसे मेरा रिटायरमेंट है या मेरी चाइल्ड की एजुकेशन है और काफ़ी समय है, तो मैं थोड़े बहुत पैसे यूनिट लिंक्ड या फिर रेगुलर इंश्योरेंस पॉलिसी में डाल सकता हूँ कि मुझे 100 रुपये चाहिए मैं रिटायर होता हूँ तब, और ये मैं ये 20-25 रुपये मुझे ये पॉलिसी से मिलेंगे, वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन पूरे के पूरे पैसे मेरे हिसाब से इंश्योरेंस के थ्रू करना नहीं चाहिए। एक ऐसा ही प्रोडक्ट है फिक्स डिपॉजिट, यानी एक तयशुदा रिटर्न, लेकिन हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कंपनी डिपॉजिट में पैसा लगाने से ज्यादा फायदा मिलेगा। मंथली इनकम प्लान भी उनके टिप्स में शामिल है। 2010 के लिए आप पूछेंगे तो 12 महीने के लिए आप पूछेंगे तो मैं ये बोलूंगा कि FD और एनी अदर डेट इंस्ट्रूमेंट अच्छा पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड और इक्विटी हम नॉर्मली सजेस्ट करते हैं फिनेंशियल प्लानिंग में, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अभी बैंक FD का इंटरेस्ट बहुत ही नीचे गया है, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 6.5% तक मिल रहा है आजकल। सो 6.5% इंटरेस्ट इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, अभी फूड इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के माध्यम से आप देखेंगे तो एक्चुअल रिटर्न आपको नेगेटिव शायद आएगा। गवर्नमेंट होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इज डिफरेंट, बट एक्चुअल फूड इन्फ्लेशन इज मच मच हायर। सो उसके हिसाब से आपको लो रिस्क प्रोफाइल में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको चाहिए तो आप कंपनी डिपॉजिट या कंपनी बॉन्ड्स और डिबेंचर्स आप चुन सकते हैं। इसमें एक ही प्रॉब्लम है, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास नहीं है आजकल, सिर्फ 4-5 अच्छा कंपनी है उसमें आप डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी 8% से 10% तक का ऑप्शंस है। सो उस हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा रिस्क लेने वाला जो इन्वेस्टर है वो ये ऑप्शंस चुन सकते हैं। आपने शादी, बच्चे, मैरिज, रिटायरमेंट सभी की बात की, अगर ये नियर टर्म्स है मतलब अगले 2 या 3 साल में होने वाला है तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स की ओर ध्यान दीजिए, डेट फंड है, फिक्स डिपॉजिट वगैरह है। हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट्स कुछ अवेलेबल है म्यूचुअल फंड से, MIPs करके नॉर्मली बोलते हैं इसको। MIPs में टिपिकली 5-25% एक्सपोजर इक्विटी में रहता है, बाकी डेट इन्वेस्टमेंट्स में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो बॉन्ड हो या CD हो या CP हो, कुछ भी हो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सो ये भी अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो चुन सकते हैं। 5% वाला चुनेंगे तो उसमें रिस्क प्रोफाइल बहुत कम होगा, इसमें डबल डिजिट में इंटरेस्ट आने का डबल डिजिट में रिटर्न आने का संभावना है। और इसमें एक और अच्छी बात है इन द केस ऑफ MIPs, इसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है तो इट इज ओनली 14.16%। सो उसके हिसाब से देखेंगे तो नेट रिटर्न्स आफ्टर टैक्स के हिसाब से आप देखेंगे तो इसमें ज्यादा आएगा। 2010 में कमाई की ये टिप्स कम नहीं है, लेकिन अब हम आपको दे रहे हैं एक रेडी रेकनर पोस्ट ऑफिस की स्कीमों से लेकर PPF के बारे में, ताकि अपने प्लान बनाते वक्त ये भी आपके दिमाग में रहे। पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीमों में से एक है किसान विकास पत्र। ये एक बॉन्ड है जिसके जरिए सरकार पैसे जुटाती है। इस बॉन्ड में पैसे करीब 8.5 साल में दोगुने हो जाते हैं, जहां इंटरेस्ट मिलता है करीब 8.5%। इस स्कीम में आप 100 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। मंथली इनकम स्कीम भी एक अच्छा विकल्प है। इस स्कीम में सालाना 8% का रिटर्न मिलता है, वहीं मैच्योरिटी के बाद 5% का बोनस भी मिलता है। इस स्कीम का टेन्योर है 6 साल और आप इसमें कम से कम 1,000 रुपए लगा सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो सिंगल अकाउंट के लिए ये 4.5 लाख रुपए, जबकि ज्वाइंट अकाउंट के लिए ये 9 लाख रुपए है। NSE यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी लोगों में काफी पॉपुलर है। इस स्कीम में सालाना करीब 8% का ब्याज मिलता है। NSE का टेन्योर होता है 6 साल और इसमें 100 रुपए से बचत की शुरुआत कर सकते हैं। निवेश के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
ज्यादा वक्त के लिए पैसे जमा करने हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे लगाना समझदारी है। पीपीएफ में 8% सालाना इंटरेस्ट मिलता है और इसकी टेन्योर होती है 15 से 16 साल। इस स्कीम में आप 500 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं जबकि अधिकतम 70,000 रुपए लगा सकते हैं। पीपीएफ से होने वाली आय पर भी 80C के तहत टैक्स भरना होता है। आपके पास ज्यादा पैसे हो या न हो लेकिन आप जब चाहे तब निवेश शुरू कर सकते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट में आपको यही सहूलियत मिलती है। हालांकि बाकी के मुकाबले इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है लेकिन आप सिर्फ 10 रुपए से इसमें बचत शुरू कर सकते हैं। इस स्कीम में आप 5 साल तक पैसे लगा सकते हैं। बुजुर्गों का ख्याल सभी करते हैं तो फिर पोस्ट ऑफिस क्यों पीछे रहे। बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में सबसे ज्यादा 9% का रिटर्न मिलता है। इस स्कीम का टेन्योर है 5 साल और इसमें आप 1,000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस स्कीम से होने वाली आय पर धारा 80C के तहत टैक्स लगता है। हालांकि इस स्कीम में निवेश के लिए आपकी उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करते वक्त एक बात आम तौर पर लोग भूल जाते हैं, इन्वेस्टर लंबे समय के लिए अपनी जमा पूंजी ऐसे प्रोडक्ट में लगा देते हैं जो तुरंत हाथ में नहीं आ सकती। लेकिन जैसा हम सोचे सब कुछ वैसा तो नहीं हो सकता ना, तो इस ख्याल को भी अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का हिस्सा जरूर बनाएं। आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए, थोड़े पैसे आप इमीडिएटली लमसम इन्वेस्ट कीजिए, थोड़े पैसे आप एसटीपी या एसआईपी के जरिए एंटर कर दीजिए और थोड़े पैसे आप साइड पे रखिए कि अगर मार्केट कोई इवेंट आ गया और मार्केट गिर गया 3% 5% गिर गया एक दिन में, तभी मैं वो जो छोटे छोटे किस्त रख रहा हूँ रिजर्व में उसके हिसाब से मैं एंटर कर सकता हूँ। अब तक हमारे फिनेंशियल एक्सपर्ट ने आपको बताया कि क्या करना चाहिए जिससे 2010 में आप पैसे से पैसा बना सकते हैं, लेकिन क्या ना करें इसके बारे में आप कुछ टिप्स। सेक्टोरल फंड्स जो कि कैपिटल इंटेंसिव होगा, यानी कि रियल एस्टेट क्षेत्र है या पावर है या इस टाइप की कंपनी है जो लोन्स बहुत लेती हैं, तो वो क्षेत्र से थोड़ा सा बचे क्योंकि मेरे ख्याल में उसका जो इफेक्ट होगा इंटरेस्ट रेट्स का वो उन पे भारी पड़ेगा अगले साल में, तो बस ये सेक्टर से बचे थोड़ा सा।